गुड इवनिंग एवरीवन नमस्ते नमस्कार हाउ यू गाइस कैसे हैं गुड इवनिंग विजय मुस्कान सौरभ हरिहर जी गुड इवनिंग विनय रेशु रॉयल पंडित जी राजपात राजपथ सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग नमस्ते नमस्कार सतरिया जो आप चाहें जो आपकी भाषा में हो कैसे हैं टाइम हो गया तो आप भी तो गए मैम टाइम हो गया आ जाओ आप भी तो गए कहाँ थे आप कहा थे मतलब अरे यार अभी तो क्लास लिया था सैटरडे को क्लास था मींस वो ठीक है बात आपका मंडे वनसडे एंड सैटरडे क्लास चलता है और दो दिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड रहता है डेफिनेटली और एक आपका स्पोकन इंग्लिश का क्लास रहता है ना बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का आ, कहें तो हम थैंक यू सो मच कभी क्यूट के अलावा कोई और वर्ड भी रिलेट कर सकते हैं दो मिनट लेट हो तो जुर्माना लगा दीजिए फाइन लगा दीजिए कोर्ट में केस वेस कर दो मेरे खिलाफ दो मिनट लेट हो गए हैं है, मैम आप मैं लेट नहीं हूँ देख ले अपना खोल कर थैंक यू सो मच थैंक यू आ जाइए फटाफट देखिए कुछ लोग तो मुझसे भी लेट हैं चलो मैं मान लिया कि मैं दो मिनट लेट हूँ आप भी तो मुझसे ज़्यादा लेट हैं यस yes, आज आपका क्लास है स्पोकन इंग्लिश का डेफिनेटली देखिए आज ना एक प्रॉब्लम पर बात करेंगे जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की एक मतलब बहुत सारे मैक्सिम बोलूंगी 99% नाइन परसेंट लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली दे आर टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट की लिसनिंग और जो आपका रीडिंग है तो वर्क एज इनपुट फॉर यू एंड आउटपुट फॉर योर स्पोकन राइटिंग तो प्रॉब्लम पता क्या है जब भी आप सीखना चाहते हैं टेंस सीख लिया लगा लिया इज़ लगा लगा है है हैज़ आपको पूरा टेंस आता है तो इसका मतलब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली वो ग्रामर पढ़ते हैं और उनको सब पता है कहाँ पर क्या लगना है फिर भी सीख कर वो स्ट्रक्चर सीख कर भी फिर भी नहीं कुछ सेंटेंसेस फिर भी ऐसा लगता है, है। इसको कैसे बोलू है ना मैं ऐसा एग्जाम्पल आज आपके सामने रखने वाली हूँ आज की जो हमारी क्लास रहेगी बेसिकली वो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स की रहेगी स्ट्रक्चर्स का मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सिंगुलर है सी आई एस लगा देना सिंस uh, लगा देना टाइम बाउंडनेस मतलब ऐसा कुछ भी नहीं सिखाने वाली हूँ है ना आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंसेस थोड़ा सा मैं बोलूँगी थोड़ा एक लेवल अपग्रेड है है ना तो क्लास का अच्छे से अगर आप ध्यान से पूरी क्लास देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों यार हमसे इंग्लिश बोली क्यों नहीं जाती हम टेंस भी सीख लेते हैं सब कुछ सीख लिया सारे याद हो गए मैम हमें स्ट्रक्चर फिर भी आपको ना ज्वाइनिंग वाला समस्या है आप सेंटेंस को देख लो लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने रखती हूँ आज मैंने बोला हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स uh, नाम जरूर स्ट्रक्चर्स है पर बोलने की शुरुआत करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सेंटेंस है वह दिल्ली में है एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मैं पढ़ा नहीं रही हूँ है ना मैंने बोला थोड़ी सी हाई लेवल क्लास रखेंगे है ना एकदम सिंपल नहीं कि दिल्ली में है मैं इतना आपसे उम्मीद करूंगी मेरी आशा है कि आपको ये जरूर पता होगा वह दिल्ली में है अगर आप ये किसी को कहना चाह रहे हैं वह दिल्ली में है तो सिंपली यू से राइट अब आपको इसमें नेगेटिव सेंस लगाना हो तो वह दिल्ली में नहीं है विल से इज नॉट इन दिल्ली ऐसा आप बोल देंगे समस्या कहाँ है प्रॉब्लम कहाँ आपको ज्वाइनिंग नहीं पता फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जहां तक मुझे मालूम है वह दिल्ली में नहीं है आप किसी से बात जब करते हैं ना तो सीधे सीधे स्ट्रक्चर नहीं आते वह दिल्ली में है वह दिल्ली में नहीं है वह दिल्ली गया था आप फिर आपको जो एक मिनट अगर आप मेरी बात पूरे ध्यान से और गौर से सुनेंगे ना कंसंट्रेशन से आप समझ पाएंगे मैम बिल्कुल ट्रू कह रही है आपको जैसे किसी को कहना हो कि वह दिल्ली गया था दिल्ली में है दिल्ली जाएगा अरे यार कहां ऐसा संभव है कौन सी कम्युनिकेशन में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सीधा यही बताते हैं वह है दिल्ली गया था ऐसा कहाँ है हमें जरूर अपनी कॉम्युनिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अटैचमेंट की नीड है जो हमारे उस सेंटेंस को परफेक्ट बना सके फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है जहां तक मुझे हम ऐसा कभी नहीं कहते वह दिल्ली में नहीं है अरे यार ये को टेंस और ना हम सीख रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन का एक कोई स्ट्रक्चर होता है कोई फ्रेज होता है जो उससे अटैच रहता है हमें ना ये अटैचमेंट नहीं आती ये हमारी समस्या है अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे एक बार थम्स अप और लाइक का बटन प्रेस करके मुझे बताइएगा यस मैम प्रॉब्लम ऐसी ही है यार ये तो समस्या है हाँ ही नहीं ना एकदम बेसिक वाली बात नहीं करी मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल मैंने बोला क्लास लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एकदम वीक हैं एकदम जीरो से आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्लास से सीखने वाले हैं तो ऐसी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा बहुत डेंजरस लगता है सब्जेक्ट अरे नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट डेंजरस नहीं है बहुत स्वीट है और बहुत इजी है अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है जस्ट लाइक like कि हिंदी में बोलूँ अगर आपको आती है तो उससे तो इजी है मतलब मुझे ऐसा लगता है इट मे बी माई पर्सनल व्यू पर मुझे लगता है कि उससे आसान है बहुत फ्लेक्सिबल है बहुत इजी है पर आप मुझे पहले बताइएगा थम्स अप और लाइक like से लाइक like का बटन प्रेस कर दीजिए और मुझे बताइए यस एग्जैक्टली यही हमारी प्रॉब्लम है जो इस बोर्ड पे लिखी है हमें ये तो पता है जब लेकिन हम बोलते हैं ना किसी से जब हम बोलते हैं तो मैम ये आता ही नहीं ये ना कुछ ना कुछ हमें यहाँ कुछ अटैचमेंट की नीड रहती है हमारे सेंटेंस से अगले सेंटेंस के बीच में एक कनेक्शन रहता है उस फीलिंग के लिए हमें नहीं पता कैसे आप मुझे बताइएगा अगर मान लो आपको ऐसे कहना हो जहाँ तक मुझे मालूम है वह दिल्ली में नहीं है तो आप इसे कैसे कहेंगे तो इसके लिए डेफिनेटली आपको एक फ्रेज की जरूरत पड़ेगी तो हम आज ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स को आपके सामने लेकर आए हैं और क्लास पूरी देखने के बाद आपको सच में कनेक्शन आने लगेगा कि सेंटेंस एक सेंटेंस बोलने के बाद मैं दूसरे सेंटेंस में ना ब्रेक नहीं करूंगा अपने आप आपसे बन जाएंगे आपको पूरी क्लास देखनी है बस एक छोटा सा रूल है और आप पार्टिसिपेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स हियर आपको लिखना होगा यू हैव टू राइट ऑल द सेंटेंसेस आप जितना भी मैं सिखाऊं बस आप रिपीट करिए और लिखिए आप चीजें सीख जाएंगे जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को बोलती तो मैं ऐसे बोलती एज फॉर एज फॉर एज आई नो बस आपको ये अटैच करना था और ये हमारा काम हो गया तो ये तो हमें पहले से पता है कि इज नॉट इन डैली बट ठीक है ये वाला फ्रेज अगर हमें मिल जाता अगर हमें कोई बता देता कि जहां तक मुझे मालूम है देखिए अब आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे इसे कि मैं जहाँ को वेयर बनाती तक को टिल बनाती मुझे को आई बनाती मालूम को नो बनाती है को इज बनाती ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं सिखाते हैं सीरियसली बहुत एबसर्ड वर्क है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंग्लिश में बोला जाता है एज फॉर एज आई नो और हिंदी में जहां तक मुझे मालूम है मुझे लगता है ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा देखिए मैं आपको समझाऊंगी उसके बाद आपसे पूछूंगी और आपको बताना होगा जैसे कि मेरे पहला स्ट्रक्चर है इसी आपको समझ में आ गया होगा क्लास कैसी रहने वाली है सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंसेस तो हमें आते हैं फिर भी ऐसा क्या है हम बोलते हुए अटैच नहीं कर पाते उनका आज हम आपके पास सॉल्यूशन लेकर आए हैं उस और आप सबको बनाना पड़ेगा जहां तक मुझे मालूम है वह बुखार में पड़ा हुआ है चलो वो मैंने लिख दिया है पड़ा हुआ है पर आप उसे बुखार है जैसे आपको किसी को कहना है कि उसे बुखार है पर आप बेसिकली ऐसे कहना चाहते थे कि जहां तक मुझे मालूम है अच्छा वो मार्केट में घूम रहा था यार मुझे तो ये मालूम है कि उसे बुखार हो रखा है और ऐसा, ऐसा आप स्ट्रेट जाके नहीं कहते वह बुखार में पढ़ाओ कुछ ना कुछ अटैचमेंट जरूर रहती है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर तो आप मुझे बताएंगे एज फॉर एज आई नो ही इज इन क्या फीवर आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर पेट बाचिस ठीक है बच्चे फिर आप बाद में बताएंगे हम पेट बाचिस के बारे में अभी हम पढ़ लें अभी मूड नहीं है हाँ बताइए एज फॉर एज आई नो ही इज इन फीवर ओके कोई बात नहीं आप जैसा भी बनाना चाहे बस मैं तो ये जानना चाहती हूँ आप इसे तो बना पा रहे हैं ना सभी जहां तक मुझे मालूम है वह बुखार में पड़ा हुआ है अब पड़ा हुआ है का मतलब एक सा है। किसी भी बीमारी में आपको कहना है तो एक फ्रेज याद कर लो डाउन जैसे मैं बोल सकती हूं हिज डाउन विद फीवर है ना ऐसे बोल सकते हैं एज फॉर एज आई नो हि इज डाउन फीवर जिसको नहीं आता वो मेरे साथ रिपीट करेंगे मतलब कि या तो बोलेंगे बोलना तो पड़ेगा और लिखेंगे देखिए मैंने बोला कि एग्जैक्टली स्पोकन इंग्लिश के अंदर दो इनपुट हैं दो आउटपुट हैं है ना इनपुट है आ, जो मेरा बोलना और यहां पर लिखा हुआ आपको आउटपुट अगर आप इनपुट इनपुट देते रहेंगे ना और आउटपुट बिल्कुल नहीं होगा तो ट्रस्ट कभी नहीं सीख पाएंगे है ना तो आपको सीखने के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे आप मेरे साथ रिपीट भी कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में भी लिखिए अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट बनाने की ट्राई करो मुझे बताओ जहां तक मुझे मालूम है वह फ्रॉड है अब फ्रॉड को आ, मैं कुछ और हिंदी वर्ड नहीं हम फ्रॉड को फ्रॉड ही समझते हैं देखिए आप की भाषा में बिल्कुल भी अगर आप हिंदी जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे पूछूं अभी फ्रॉड का हिंदी बताना से क्या कहेंगे आप वेरी गुड शिवानी प्रकाश एस के पोल दीपू विराट बस ऐसे इम्तियाज आलम बहुत बढ़िया अच्छा इम्तियाज आप तो कुछ और लिख रहे थे पर कोई बात नहीं थैंक यू सो मच एज फॉर एज आगे भी तो लिखेंगे कुछ मैंने बोला वह फ्रॉड है सिंपल जैसे ये बोली वह वह फ्रॉड है मैंने बोला वह टीचर है है ना uh, वह स्टूडेंट है तो आप बोल सकते थे सिंपल कि ही इज ऐसा कुछ कह रहे थे ही इज अ टीचर ही इज अ फ्रॉड कह दो क्या प्रॉब्लम है अब ये तो हमें पक्का पता है आप किसी के सामने भी Uh, बोल देना और एकदम से बहुत अच्छा इंप्रेशन भी होगा एज फॉर एज आई नो ही इज अ फ्रॉड एज फॉर एज आई नो एज फॉर एज आई नो ही इज अ फ्रॉड वेरी गुड सबने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है बहुत बढ़िया ब्रोकर ब्रोकर नहीं फ्रॉड को आप फ्रॉड ही कह सकते हैं फ्रॉड एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में लिख रखा है अब ठीक है उसको देखिए जहाँ हम जानते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है अलॉट ऑफ टाइम आई गिव एग्जाम्पल कि फैन है तो फैन है वाई गोइंग टू तो ट्रांसलेट इट लाइक ये पंखा होता है, है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं जहां तक मुझे मालूम है वह गिरफ्तार हो चुका है आप किसी को कह रहे हैं वह गिरफ्तार हो चुका है जहां तक मुझे मालूम है बताइएगा और मुझे बताते रहिएगा यस मैम स्ट्रक्चर एकदम आपको ना सीखने हैं मुझसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में सिखाऊंगी जब आप इनको अपने सिंपल सेंटेंसेस के साथ ऐड करेंगे ना तो आपको ना आ, ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप आराम से बोल पाएंगे आप आज का सेशन तो बहुत मजेदार होने वाला है आप क्लास के एंड में महसूस करेंगे कि यार बहुत कुछ सीख गए हाँ जी बताया आपने एज फॉर एज आई नो क्या ही इज अ फ्रॉड राइट नेक्स्ट कोई सेंटेंस uh, कौन लिख रहा है सानिया वेरी गुड आकाश प्रदीप शिवलाल अक्कू अमन Uh, बहुत बहुत बढ़िया है ना सबका मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ पर बहुत 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 बढ़िया ही इज अरेस्टेड की ही अरेस्टेड नहीं आप कह सकते हैं Uh, जब आप कहते हैं कोई काम हो चुका है इन डैट सिचुएशन आप हैज़ यूज करते हैं पता होगा थोड़ा पर नहीं पता कोई बात नहीं एकदम आप बेसिक से इंग्लिश अगर एकदम बेसिक से इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर आपको पेड बैच जरूर ले लेनी चाहिए और अगर आता है और थोड़ा बहुत फिर आपका यहाँ से भी काम चल सकता है हाँ बताइएगा ही हैज़ बीन अरेस्टेड अब इसके साथ आपने अटैच कर दिया आप मेरे साथ इस वर्ड को रिपीट करेंगे इस सेंटेंस को वॉट इज मालूम है एज फार एज आई नो बोलो भी मेरे साथ है ना बोलना भी है अब ठीक है हम दूर हैं पर कनेक्शन हो सकता है आप बोलिए मेरे साथ और इस सेंटेंस को अपना आपके सामने मैं मतलब एक आपको होमवर्क दे रही हूँ आप आज जितने स्ट्रक्चर सीखेंगे उन सबको आज घर में यूज करेंगे चलिए अब मैं स्ट्रक्चर नंबर वन क्लियर जहां तक मुझे मालूम है अगला वर्ड अगर आपसे यह कहा जाता कि जहां तक मुझे याद है आ, तेरा कल एग्जाम था जहां तक मुझे याद है परसों हमने क्लास ली थी जहां तक मुझे याद है सैटरडे को आ, क्लास 50 मिनट की थी जहां तक मुझे याद है सैटरडे को क्लास वोकैबलरी की थी जहां तक मुझे याद है आ, प्रकाश जी और याद राविश कोमल संध्या ऋतिक आप क्लास में थे तो बहुत सारे सेंटेंस हैं देखो सोचो मैं मैं जो समझाना चाह रही हूं पता नहीं मैं आप समझ पा रहे हैं नहीं देखिए ये कहना कि क्लास सैटरडे को थी ठीक है ये नहीं बोल पाएंगे हमें जरूर कम्युनिकेशन के अंदर कोई अटैचमेंट है क्यों मैं ऐसा कह रही हूं कि सैटरडे को क्लास थी कोई ना कोई कारण है उसके लिए आपको फ्रेज की नीड पड़ेगी देख तो मेरा हुआ एज फॉर एज आई रिमेंबर नो की जगह आप क्या यूज कर लेंगे? यूज कर लेंगे लेंगे रिमेंबर यूज क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या फिर मैं ऐसे ही बार बार बोले जा रही हूं अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे इतने थम्सअप भेजो इतने थम्सअप भेजो कि मेरे को पक्का हो जाए कि मैं ये क्यों सिखा रही हूं या फिर मैं दोबारा बताऊं कि मैं ये क्यों सिखा रही हूं टेल मी हूँ Uh, मतलब सबको समझ आ रहा है ना समझ आने मतलब पूरा का पूरा आपको पूरा समझ में आने वाला है वो तभी आप मुझे thumbs up नहीं नहीं कोई बंद नहीं हुआ भाई हमारा तो सारे बैच ओन है स्पोकन के सारे बैच ओन है आपके अगर इतने सारे भेजो इतने सारे भेजो कि मैं समझूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इतने थम्स अप भेजो सब के आ रहे हैं ना कोई कोई अभी भी कंजूस बैठा है क्योंकि 500 बच्चे ही मैसेज कर रहे हैं ये जो 1800 हैं ये जो बाकी के हैं भाई इनका क्या सीन है ये 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 कुछ तो भेजो जिससे समझ में आए यार दूसरे इंसान को कि उसे दोबारा बताना है क्या अब चलो अब ठीक है मैं इतनो से अंदाजा लगा लेती हूं कि चलो अ पांच सौ बच्चे बता रहे हैं तो फिर समझ में आ रहा होगा चलो ठीक है चलिए स्ट्रक्चर टू से अभी sentence बनाएंगे आप। जहां तक मुझे याद है मैं तुमसे एक बार मिल चुका हूं आप किसी को ये नहीं कह सकते मैं तुमसे एक बार मिल चुका हूं उससे पहले आप कोई सेंटेंस कोई कम्युनिकेशन का बेस क्रिएट करेंगे उस बेस को क्रिएट करने को ही मैंने आज स्ट्रक्चर्स कहा उसे कोई कुछ भी कह ले हाँ जी कैसे कहेंगे आप इसे जहां तक मुझे याद है तो मैम ये तो मुझे नहीं पता या फिर इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा बट बट मैं कंफर्म हूं कि ये वाला जो हाफ सेंटेंस है अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस सेंटेंस कॉल्ड इन इंग्लिश तो डेफिनेटली आप सबको पता होगा डेफिनेटली पता होगा क्या पता है एज फॉर एज आई रिमेंबर आई हैव मेट यू वंस i have met you once meet का सेकंड फॉर्म है बच्चे meet you मतलब तुमसे once मतलब एक बार i have met you once राइट नेक्स्ट सेंटेंस बनाओगे फिर फटाफट चलो दूसरा सेंटेंस बनाओ जहां तक मुझे याद है यह प्रश्न पिछले साल पूछा गया था मान लो आप एग्जाम देने गए हैं कहीं पर और किसी को ये नहीं कहते अह जिसे मैं आपके नेम उठा लेती हूँ आपके उसमें से रोहित एके पाल कह रहा है रोहित से रोहित यह प्रश्न पिछले साल आ चुका है ऐसा नहीं होगा कोई ना कोई कम्युनिकेशन का प्रोसेस है तो उसमें आप ये कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको अटैच करना पड़ता है अब इतने सारे टेंस आने के बावजूद भी टेंस बहुत सारे टीचरों को मैं देखती हूं कि बहुत सारे टीचर्स की आ, लिखो इंडेफिनेट एंड जो भी कॉन्टिन्यूस लिखो परफेक्ट लिखो परफेक्ट मतलब मैं सीरियसली ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हूँ तो जो ऐसा सिखाते हैं उसके सीखने के बावजूद हम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते कि कम्युनिकेशन तो एक कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। हाँ जी लिखा आप लोगों ने एज फॉर एज आई रिमेम्बर द क्वेश्चन वॉज आस्क लास्ट ईयर क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए आपको जस्ट रिपीट करना है अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं जो पहले नहीं आ रहा था वो तो आ रहा है एज फॉर एज आई रिमम्बर जब आपको कुछ याद आ रहा है तो हम ऐसा करेंगे दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे याद है वह कैंसर से ग्रसित थी है ना जिसे हम कहते हैं मुझे फीवर हो गया है आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे आपके स्कूल टाइम में है ना सिकली वैम सफरिंग फ्रॉम फीवर वही है सिंपल कैंसर uh, से पीड़ित है तो डेफिनेटली थी तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ये तो सिंपल है इसके लिए आपको फिर से अटैच करना है और अपना चेक करिएगा एज फार एज आई रिमेंबर शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऐसा ही होगा सेंटेंस बहुत बढ़िया कुरेशी जी आप तो सारे सेंटेंस अच्छा बनाते हैं योगेंद्र कुमारी सरिता यादव रवि कुमार पूजा क्यों लिख रहे हो रवि कुमार पूजा से बात करनी है हाँ जी बहुत बढ़िया मैं लास्ट में आपसे बात करूंगी मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं और मैं पढ़ ही नहीं पाती बस एक थम्सअप देख पाती हूँ हाँ जी ठीक है आपने लिख दिया एज फॉर आई रिमाम एज फॉर एज आई रिमाम्बर शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर राइट तो देखिए दो स्ट्रक्चर मैंने बताया जब भी आप किसी बात को कहना शुरू करें किसी से बात करने का यार कोई तो uh, फे कोई तो बेस होगा तो यार जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा है जहाँ तक मुझे याद है ऐसा है एज़ फॉर एज आई नो एज़ फॉर एज आई रिमेंबर उसके बाद अपने सेंटेंस को थोड़ा बहुत गलत भी करोगे चल जाएगा कोई टेंशन नहीं आपने इतना अच्छा सब बोल दिया है तो परेशानी नहीं आप दूसरे को समझा दें वही तो लैंग्वेज है चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा उससे पहले मैं बता दूं अगर आपको एकदम बेसिक से विद uh, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपकी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब कुछ मतलब आपका आपको करना है तो आप मेरा स्पोकन इंग्लिश का नया बैच भी ले सकते हैं नया बैच मेरा अभी शुरू हुआ है तीन चार दिन पहले वो आप हमारी ओशन गुरुकुल्स की एप्लीकेशन है आप उस पर जाकर परचेज कर सकते हैं अगर कोई इशू आए तो स्क्रीन ले लीजिएगा इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ठीक है जी स्ट्रक्चर नंबर की बात करें फीस ज्यादा है बच्चे मेहनत भी ज्यादा है मैं बताऊं स्पोकन के बच्चों के साथ एक एक बच्चे का आ, तुमने ये गलती करी है इसको करेक्शन करें ये करें मतलब फीस तो कुछ है ही नहीं बेसिकली उस मेहनत के सामने आप भी सोचिए किसी पर्सन को लैंग्वेज सीखना तो ठीक है किसी को सिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अब वैसा तो कर नहीं सकते कि हाँ आए और चलो दस बीस दिन चालीस दिन की क्लास हो गई तीस दिन की क्लास हो गई चालीस की पचास की आपको पता है मैंने लॉन्च किया था बैच थ्री मंथ के लिए थ्री मंथ कंप्लीट भी हो गए मैंने सिखा भी दिया उसके बाद में मैं उनके स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस सेशन चलाए जा रही हूँ मतलब जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना कि एक एक बैच की सब बना रहे हैं एक भी गलती कर दे रहे थे ना तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता अभी तक मैं उनका बाज थ्री मंथ के बाद भी चला रही हूँ कि नहीं अब तुम प्रैक्टिस करो ठीक है ना तो फिर इसलिए आप फीस के बारे में बिल्कुल बोला करें चलो छोड़ो स्ट्रक्चर नंबर की बात करती हूँ देखो एक चीज मैं बताऊं ऐसे आप कहते हैं कि पता है उसके यहां ऐसा हो गया फिर आप एंड में पता क्या कहते हो ये बात ना तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए ऐसा हो गया आ, उनके लड़के ने ऐसा कर दिया ये बात ना तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए पता है उस फेल हो गया वो पर किससे बताइए मत ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए आप आप अगर मैं स्ट्रक्चर की बात बात करूं एवरी टाइम इन योर डेली लाइफ इसे इतनी बार यूज करते हो यह बात मेरे और तुम्हारे बीच की है ना बार दूसरे को मत बता दियो तो किसी भी तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं अब बड़ी समस्या है मैम इतना बड़ा सेंटेंस यह बात मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए इसे तो हम सारा दिन बोलते हैं अगर इसके ट्रांसलेशन पे आएंगे तो यार बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा बट गाइज आई एम गिविंग यू है सिंगल टू थ्री ओनली फोर वर्ड्स बिटवीन यू एंड मी बिटवीन यू एंड मी का एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि ये बात तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए या फिर ये बात मेरे तेरे और मेरे बीच की है किसी और को मत बता दूँ बताओ आया ना मजा ऐसे ही है इंग्लिश ऐसे ही है जैसे आप सीख जाओगे ना उसके बाद अच्छा लगेगा अब ना ये चिपका देना तुम किसी ना किसी पे कोई बात बताना ना और फिर ये वाली बात कह देना फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर रखती हूँ यह बात मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए कि उन लोगों का अफेयर चल रहा है चलो कोई बात नहीं ऐसा होता है यही तो बातें होती हैं जिनको हम ये कहते हैं किसी और को मत बताइए है ना या फिर अपना अफेयर बताएंगे या दूसरे का अफेयर बताएंगे सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट ही दूसरों की लाइफ में है खुद की लाइफ में तो बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट है जो लोग अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं और जिन्हें सिर्फ दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना है उनका कुछ हो नहीं पाता हाँ जी कैसे बनाएंगे सेंटेंस को हम तो सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं बाकी हमारा कोई पर्पज नहीं है किसी के अफेयर का वर्णन करना देखिए पहले तो वही ऐड कर दे जो मैंने फ्रेज आपको सिखाया है क्या फ्रेज सिखाया है अरे बताओ बिटवीन यू एंड मी प्रियंका इसके बाद भी लिखेंगे कुछ बिटवीन यू एंड मी यस मैम ऐसा होता है नहीं आई एम सीरियस आगे तो लिखो बिटवीन यू एंड मी आगे भाई हम कह रहे हैं कि उन लोगों का उन लोगों का मतलब दो लोगों का है ना तो देव दो लोगों के लिए आप दे वर्ड यूज कर सकते हो और क्या है क्या क्या हो रहा है अफेयर को अफेयर ही कहते हैं अरे कोशिश तो करो गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोई यहां पर इंसल्ट करने मैं आपका फेस नहीं देख रही या फिर आप मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं हैं कि मैं बता दूंगी कि ये जो आशीष सिंह है इसको तो बताओ इसकी इंग्लिश भी नहीं आई थी कहने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो ये तो एकदम ओपन प्लेटफॉर्म का फायदा है कोई कुछ भी कह दो कोई क्या परेशानी है आप बोल सकते हैं अफेयर तो ठीक है पर देखिए बच्चे जब आप कहते हैं किसी का अफेयर तो हैव वन अफेयर हैं आप तो आप बोल सकते हैं दो पर्सन है तो दे आप डेफिनेटली यूज करेंगे तो आप बोल सकते हैं दे आर हैविंग एन अफेयर कैसे कहेंगे दे आर हैविंग एन अफेयर ठीक है अब ऐसी करने जा रहे है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे तो को ही तो बोलेगा ना कि तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए अब यह बात को कौन? मैंने, मैं खाना, मैं, पता है मैंने ना खाना खा लिया ये बात तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए ऐसा कौन बोलेगा तो डेफिनेटली कुछ सा रहेगा हाँ जी अगला सेंटेंस बनाएंगे वे लोग कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी हो और अगर नहीं आप या तो पूरी क्लास देखा करो जिनमें आपको बहुत अच्छा लगेगा अब जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास देखी थी वो जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फ्रेज कराया था करने जा रहे हैं कुछ ऐसा हो ना करने जा रहे हैं तो हम यूज करते हैं गोइंग टू या फिर जिसे गोना कहते हैं आप नॉर्मल वैसे लैंग्वेज में आप गोइंग टू वर्ड यूज करते हैं तो बिटवीन यू एंड मी अब ये तो इसका तो पूरा काम दमाम आप लोगों ने कर दिया होगा मुझे लगता है सब लोग लिख पा रहे होंगे बिटवीन यू एंड मी आप इसे यूज भी करने वाले हैं ना आज कौन कौन स्टूडेंट है ऐसे बिटवीन यू एंड मी वेरी गुड वेरी गुड दे आर गोइंग टू डू कोर्ट मैरिज वेरी गुड बहुत बढ़िया और एकदम सही सेंटेंस आपने बनाया है एग्जैक्टली exactly आपको यही कहना था दे आर गोइंग टू डू कोर्ट मैरिज राइट चलिए अब यहां पर स्ट्रक्चर हो गया बिटवीन यू एंड मी का अगले स्ट्रक्चर पर आती हूं अगला स्ट्रक्चर नहीं चले एक और बताइएगा यह बात मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए वह जेल में है तो देखिए आप किसी को जाके ऐसे तो कहते नहीं वह जेल में है उसके बाद कुछ तो जोड़ोगे उन फ्रेजेस को सीखना बहुत जरूरी है मैं अपने बैच में भी आपको सारे फ्रेजेस सिखाती हूँ जो आपकी कम्युनिकेशन को अटैच करते हैं ठीक है और यूट्यूब पे भी स्टूडेंट्स को कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें ये तो कहना आता है पर यह नहीं कहना आता इस बात को शुरू कैसे करें है ना तो हाँ आप आ, मेरी जो स्ट्रक्चर्स की क्लासेस है उनको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली आप सीख जाएंगे हाँ जी जेल में है तो सबने लिख दिया ही इज इन जेल बिटवीन यू एंड मी मैं पढ़ लेती हूँ कॉमेंट्स आपके आप क्या क्या लिख रहे हैं बिटवीन यू एंड मी इज इन जेल अच्छा अनुष्का अच्छा जी he's in jail. साहब he is in jail. He is in jail। कीर्ति राजा कुशवाहा सौरभ नरेश they are going to, हाँ वो ठीक है they are going to court marriage। बहुत बढ़िया चलिए ठीक है ही इज इन जेल कोई बात नहीं अच्छा मैं जेल में है को ना एक फ्रेज हमारा है बहुत प्यारा बिहाइंड द बार्स क्या यूज कर सकते हैं बिहाइंड द बार्स यूज कर सकते हैं मैं बोलूं बिटवीन यू एंड मी ही इज बिहाइंड द बार्स ध्यान रखेंगे किसी को भी आप कह सकते हैं जेल में है तो ठीक है आप ही जेन, तो बोली जा रही जिन, जिन, ही जिन जेल, पर आप बिहाइंड द बार्स यूज़ करेंगे तो शायद और ज्यादा इंप्रेसिव लगने वाला है अच्छा आगे मुझे बताइएगा मैं आपसे अच्छा की इंग्लिश पूछती हूं अच्छा अच्छा आप लोग बहुत सारे गुड कहेंगे, well कहेंगे कहेंगे ऐसा जब मैं आपसे कहूंगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप मुझे कहेंगे वेरी गुड वेरी वेल ऐसा बोलोगे मैं सही कह रही हूं अगर मैं आपको यह कहती काफी अच्छा फिर आप क्या कहते काफी अच्छा अगर मैं कहती वह अच्छा गाती है तो आप मुझसे कह सकते थे शी सिंग्स वेल लेकिन अगर मैं आपसे कहती कि वह काफी अच्छा गाती है फिर आप मुझे क्या कहते और ऐसा ही ज्यादा यूज करते हो ये कहने की बजाय ज्यादा अच्छा फिर कहते हाँ काफी अच्छा गा रहे तो काफी अच्छा को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं अब ये कोई टेंस नहीं सिखाएगा आपको इसे सिर्फ स्ट्रक्चर सिखा सकता है और इसके लिए मैं अगला स्ट्रक्चर नंबर फोर आपके लिए लेके आई हूं क्या बोलोगे नाइस अच्छा ठीक है नाइस बोलना है आपको ठीक है नाइस बोल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सीलेंट बोलोगे काफी अच्छा को क्या कहेंगे ये तो बताओ एक्सट्रीमली गुड ओके मच गुड एक्सीलेंट वेरी गुड गुड सिंग वेरी नाइस एनीथिंग एल्स वेल डन एक्सीलेंट फैबुलस ओके सुपर ऑसम पर बच्चे मैंने बोला काफी अच्छा मतलब आप बहुत अच्छा नहीं कह रहे आप कह रहे यार काफी अच्छा कहें मतलब जितने की नीड है ना उतना काफी तो उसे कैसे कहेंगे नो वन नोस कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूँ सीखने ही तो आप आए हैं स्ट्रक्चर नंबर फोर की बात करते हैं और इसे कहेंगी मैं काफी अच्छा काफी अच्छा को आप इन वर्ड लगा लीजिए और आपका काम हो जाएगा आप जादू ही है ये अभी तक कुछ नहीं आता था आप देखना सारे सेंटेंसेस आप बना देंगे वाल well इनफ आप कह रहे हैं वह काफी अच्छा गा लेती है शी सिंग्स वाल इनव तुम काफी अच्छा नाच लेते हो ऐसा नहीं कह रहे आप कि बहुत अच्छा नाच लिया है तूने या फिर तुझे तो बहुत ही अच्छा डांस करना आता है पर जैसे किसी ने ऐसे यूं कर दिया कि हाँ काफी मतलब ठीक है अच्छा है इन डैट केस हमेशा तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मान लो आपको किसी की परफॉर्मेंस पसंद मतलब अच्छी लगी है ठीक है आपने गुड वैसा यूज कर लिया नाइस पर आपके मन में तो आ रहा है कि ठीक है भाई मतलब काफी अच्छा डांस के डांस किया बहुत अच्छा नहीं कहना चाहते बहुत अच्छा तो आपको इंग्लिश में कहना आता है और काफी अच्छा आता ही नहीं उस चक्कर में उसको क्या पता बहुत अच्छा ही कहना पड़ जाए तुम काफी अच्छा नाच लेते हो क्या कहेंगे आप इसे फटाफट पड़ बनाइए सेंटेंस को ब्रेक नहीं होना चाहिए मैनी वेल नहीं बच्चा मैनी वेल नहीं वेल इनफ यू डांस वेल इनफ नेक्स्ट सेंटेंस है वह काफी अच्छा तैर लेता है आप तैरने को इंग्लिश में आप स्विम्स कहते हैं ही है. है तो डेफिनेटली यूर गोइंग एंड आफ्टर डेट स्विम तो हो गया काफी अच्छा तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज वेल इनफ एंड यू विल सेक्सेंस तुम काफी अच्छी पेंटिंग कर लेते हो तुम काफी अच्छी पेंटिंग कर लेते हो सब पार्टिसिपेट करेंगे और सबको बनाना चाहिए सबको बनाना चाहिए बताइए कैसे कहेंगे हम तुम काफी अच्छी पेंटिंग कर लेते हो क्या कहेंगे आप इस इंग्लिश में यू पेंट पेंटेड क्यों कह रहे हैं मैंने बोला कर लेते हो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं पेंट किया था ऐसा कहां बोला हमने यू पेंट क्या कहेंगे आप यू पेंट वालेन ऑफ वेरी गुड बहुत बढ़िया यू पेंट वाले नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें next structure है हमारा नंबर फाइव यही तो यही तो मैं देख रहा था यही तो मुझे पसंद है यही तो मैं करना चाहता था यही तो मैं कहना चाहता था तो मैं कहना चाहता था ये तो ठीक है आई वॉन्ट टू से बट जब आपको अटैच हो जाता है कि क्या कहना चाहते थे यही तो अब हो गई ना कंफ्यूजन और आप किसी से जाके ये बिल्कुल भी नहीं कहते मैं करना चाहता था आप कुछ ना कुछ अटैचमेंट करेंगे और आप इसे कहेंगे यही तो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कहती कि आप यही यूज करेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं मैं सारे आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगी डोंट वरी मैंने बोला यही तो आप यही तो को बोल सकते हैं डेट इज वॉट डेट इज वॉट ओके आप कहेंगे जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर फाइव यही तो मैं चाहता हूं देखिए अगर मैं इसको यहां पर छुपा लेती देखिएगा ध्यान से मैं इसको यहां पर छुपा लेती हूं और मैं आपसे पूछती हूं मैं चाहता हूं तो आप कह देते I want. कह देते ना हाँ आप इसे कहते यही तो को मैं एक बार काट देती हूं और मैं कहती मैं चाहता हूं तो आप इसे कहते आई वोट पर हमारी समस्या ये है कि जब हमने ये कह दिया कि यही तो मैं चाहता हूं अब कौन सा टेंस कौन सा वॉइस कौन सा वर्ब इसे सिखा पाएगा कि यही तो को ऐसे कहा जाता है ये तो सीखने की चीज है जितना आप इसे ऑब्जर्व करेंगे उतना उसे आप यूज करें बस आ गई इंग्लिश ऐसे इंग्लिश आती है अच्छा अब चलो हटा देती हूं अब इसको आई वॉन्ट तो आता था अब तो तुम्हें यही तो भी आता है तुम्हारे साथ तो कोई समस्या नहीं है वर यू राइट इन इंग्लिश क्या कहेंगे दैट इज That इज वॉट बस एक सिंपल सा सेंटेंस आप यहां पर ऐड करेंगे डेट इज वॉट आई वॉन्ट चलिए अब दूसरा सेंटेंस बनाओ यही तो मैं कहना चाहता हूं मतलब जो आपने कहा, वही यही तो मैं कहना चाहता हूं कैसे कहेंगे आप इसे इंग्लिश में आई वॉन्ट एग्जैक्टली आप ऐसा कह सकते हैं एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट टू से बट आई वॉन्ट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते है ना आई वॉन्ट एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं करते एग्जैक्टली exactly को या तो पहले यूज करिए डैट इज वॉच वेरी गुड आप कहेंगे डैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से नेक्स्ट नेक्स्ट इज यही तो मैं सुनना चाहता हूं तो आप इसे कह सकते थे डैट इज वॉच आई वॉन्ट टू लिसन यही तो मैं करना चाहता हूं नेक्स्ट सेंटेंस डैट इज वोट आई वॉन्ट टू डू सिंपल है कोई मुश्किल तो नहीं लगा अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं देखिए मैं बोलू मैं खाना खा रहा हूं ठीक है आप सबको इसकी इंग्लिश आती होगी मैं पढ़ा रही हूं आप बोले कि आप पढ़ रहे हैं राइट लेकिन अगर मैं यही कह देती मैं पढ़ाने वाली हूं मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूं आप बोलें कि मैं पढ़ रहा हूँ है ना मैं सीख रहा हूँ आप कह सकते हाँ, मैं सीखने वाला हूँ कितनी बड़ी टेंशन हो गई कि मैम खाना तो ठीक था मीटिंग और पर खाता हूं भी ठीक है चलो ईट पर जब मैं बोलूं मैं खाने ही वाला हूँ खाने ही वाला था इसको कैसे बोलेंगे इसका एक फ्रेज है बहुत ही सिंपल, आप क्लास को बस कंटिन्यू रखिए आप बोलेंगे करने ही वाला जैसे आप कहते कि बस में खेलने ही वाला था बस में सोने ही वाला था बस में जाने ही वाला था गए नहीं है अभी आप गए नहीं है अभी आप यहीं हैं पर आप बता रहे हैं कि मैं नियर फ्यूचर में ऐसा करने वाला हूं करने वाला जो भी ऐसे स्ट्रक्चर में आप यूज करते हैं जस्ट टू समझ गए होंगे अबाउट टू नहीं लगभग नहीं मैंने बोला जस्ट आप कुछ करने ही वाले, जैसे मैं बोलूं मैं आपको फोन करने ही वाला था जैसे मान लो आपको किसी के पैसे देने हो और आपको वो फोन लगाया जा रहा है आप उठा नहीं रहे फिर बार बार बजे जा रहा है बजे जा रहा है फिर आप उसे फोन उठा के कि बस मैं आपको कॉल ही करने वाला था मतलब दूसरा बोलेगा ना यार तू फोन मेरा फोन क्यों नहीं ले रहा है या फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा तो आप सिंपल सा उसको ये कहेंगे मैं फोन करने वाला था तो आप ये नहीं कह सकते आई वॉज कॉलिंग यू मैं तुम्हें कॉल कर रहा था ऐसा कैसे बोल सकते हो आप उस टाइम नहीं कर रहे थे आप कह रहे हैं कि बस करने ही वाला था तो इसमें तो बड़ी समस्या हो गई कोई समस्या तो है नहीं अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा आपको जस्ट टू वर्ड यूज करना है आई वॉज जस्ट टू कॉल यू क्या कहेंगे आप आई वॉज जस्ट टू कॉल यू नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे वह रोने ही वाली है वह रोने ही वाली है मतलब रोई नहीं है बस उसका मुंह ऐसा बन चुका है कि बस अब रोएगी कैसे कहेंगे आप इसे इंग्लिश पे वह रोने ही वाली है ये वाले ना वाले अभी तक पीछे हो गया अः मतलब अभी रोई नहीं है वेरी गुड ट्राई करिए बस जैसा देखिए ये सेंटेंस बनाया है ऐसा ही ये सेंटेंस बनाइए पर प्लीज डोंट यूज वॉज हियर बिकॉज दिस इज था दिस इज है तो इतना तो आप समझते हैं कि ये पास्ट है ये प्रेजेंट है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा यू शुड यूज इज हेयर शी इज जस्ट टू वीप शी इज जस्ट टू वीप वेरी गुड सब लोगों ने बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया है पर कुछ स्टूडेंट्स ने वॉज लगाने की गलती करी है तो बहुत गंदे उनके कुछ नहीं She is just to weep. Next sentence बोले, मैं पढ़ने ही वाला था जैसे कि आप घर में कुछ कर रहे हो खेल रहे हो लाइक मोबाइल चला रहे हो पापा गए ऊपर से कि तू क्या कर रहा है? बोले बस मैं पढ़ने ही वाला था है ना पढ़ने ही वाला था या पढ़ने आ, बस अभी पढ़ना शुरू करना था मेरे को तो ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ना तो हम जानते थे आ, पढ़ रहा हूं भी जानते थे आई वॉज रीडिंग पर आप कह रहे हैं मैं पढ़ने ही वाला था तो आप इसे कैसे कहेंगे वॉट यूल से शी आई वॉज जस्ट टू रीट शी ये शी के साथ वॉज क्यों लगा रहे हैं आप लोग वाई वेरी गुड सब ने बिल्कुल सही लिखा है देखिए बस यही एक तरीका है ऐसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे अगले स्ट्रक्चर की बात करूं क्या आई वुड जस्ट टू रीड चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मन कर रहा है मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अभी कॉफी पी लू मेरा घूमने का मन कर रहा है मेरा आ, गाने का मन कर रहा है मेरा कर नहीं रहा है ना तो मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है मतलब आप किसी सिचुएशन में ऐसा कहते हैं ना कि यार पिज्जा खाने का मन कर रहा है

जस्ट टू ईट उसका मतलब होता है कि मैं पिज़्ज़ा खाने वाला हूं वाला था है ना मेरा सोने का मन कर रहा है ऐसा मेरा खेलने का मन कर रहा है तो आप इसे कैसे कहेंगे ये मैम सक्सेना कशिश जी फरुखाबाद की पावन धरती से प्रणाम योगेंद्र प्रणाम जस्ट टू ईट क्या क्या आई फील लाइक ए टी ईट पिज़्ज़ा आपने तो कॉपी कर लिया इससे पहले आप नहीं जानते थे है ना आई फील लाइक सब तो तुमने कॉपी कर लिया इससे पहले तुम्हें नहीं आता था आई नो चलो कोई बात नहीं आज मेरा घूमने का मन कर रहा है भाई आज संडे है आप किसे कह रहे हैं कि मेरा घूमने का मन कर रहा है और शुड राइट इन इंग्लिश कैसे कहेंगे आप इस इंग्लिश में ओबवियसली uh, मेरा है तो डेफिनेटली आई आई फील लाइक देखिए सबसे ज्यादा मैं ना सबसे पहले बैच में भी का डिस्कशन करती हूं क्योंकि ना जितने लोगों को भी आप देखते हैं कि मान लो बॉलीवुड में आप देख रहे हैं या फिर एनी अदर पर्सनालिटी सबसे ज्यादा मैं 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 बकरी वाला मैं नहीं आय वाला तो सबसे ज्यादा जो सेंटेंसेस हैं वो आय माय मी को इंडिकेशन देते हैं मैं सबसे ज्यादा अपने बैच के अंदर भी आपको जितनी भी स्पोकन की नीड है ना वो दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है आपको अपने लिए सबसे पहले जरूरत है तो आप अपने से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाना सीखे आई माई मी का खेल पूरा खेल इंग्लिश का खत्म कर देता है है ना

जिसका मतलब होता है घूमना तो आप कैसे कहेंगे आई फील लाइक like. जैसे कि आपका मेरा चाय पीने का मन कर रहा है आपका हो सकता है आपको जो मन कर रहा आप वो बता दो बताओ ये वाला कॉपी नहीं करोगे आप अपना 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 बताओ मेरा जैसे आप अपना अपना बताइए कॉफी पीने का दिल कर रहा है आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर रहा है या फिर कुछ और पीने का दिल कर रहा है बताओ मुझे क्या बोलोगे कैसे कहोगे आप आप अपना अपना लिखो मैं सबका पढ़ूंगी है ना पापा की शेरनी वेरी गुड मोहित निजाम रंजीत नीतू जय सिंह राजू वेरी गुड बहुत बढ़िया आर्षराज क्या बात है आई फील लाइक डांसिंग अच्छा आई फील लाइक ड्रिंकिंग कॉफी आई फील लाइक ड्रिंकिंग कोका कोला ओके आई फील लाइक ड्रिंकिंग वॉट सबको कॉफी और टी पीना है और कुछ नहीं पीना किसी को मैं कुछ और की बात नहीं कर रही हूं है ना कभी अभी अल्कोहल चिपका दो मतलब तो यानी जूस एंड एंडोल ऐसा कुछ कह रही हूँ चलिए ठीक है बहुत बढ़िया है ना जैसा भी आपने लिखा आप अपने लिए यूज कर रहे हैं रट्टाफिकेशन थोड़ा ना ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ है ना ऑब्वियसली कि अगर आप अभी मम्मी से कहे मम्मी मुझे दूध दे दो मेरा दूध पीने का बहुत मन कर रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी मेरा सिगरेट पीने का दिल कर रहा है ओफ ये सेंटेंस यहाँ नहीं लिखवाना चाहिए था पर कोई बात नहीं ये सिर्फ एक सेंटेंस है और आप इसको ऐसा नहीं लेंगे कि मेरा सिगरेट पीने का दिल कर रहा है मेरा बिल्कुल मेरा मैं तो पीती ही नहीं और आप भी इसको बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लेंगे ये सिर्फ यहाँ पर दिखाए हुए सारे सेंटेंसेस फिक्शनल हैं, काल्पनिक हैं। इनका किसी भी सत्य घटना से कोई रिश्ता नहीं है ऐसा क्या कहते हो मेरा सिगरेट पीने का दिल कर रहा है इन इंग्लिश मेरा सिगरेट पीने का दिल कर रहा है डेफिनेटली

ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के मन में आई फील लाइक गो टू डेली ठीक है चले जाओ फिर आप डेली जिसका जिसका जो मन में आए ना आप लिखते चले जाओ क्या कहते हो आई फील लाइक गोइंग आई फील लाइक गोइंग मालदीव क्या बात है बहुत बढ़िया और कहीं पेरिस लंदन आई फील लाइक ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया बस 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 आप रुक जाओ अब रुक जाओ हम आपके फैन है फैन नहीं होना है फैन माने पंखा इंग्लिश की क्लास है आई एम जस्ट किडिंग थैंक यू सो मच आई फील लाइक डांसिंग किसने रोका भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं हां जी अगेन मैं बता देती हूँ किसी को एकदम बेसिक से मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच लेना है तो आप हमारी एप्लीकेशन जो हमारे चैनल का नेम है वही मेरी एप्लीकेशन का नेम है तो उसे डाउनलोड करके आप मेरे बेसिक से एडवांस लेवल का बैच ले सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए ठीक है इसके अलावा मेरे बहुत सारे बातचीत चलते हैं वोकेब्लरी कॉम्प्रीहेंशन का भी बैच ग्रामर कॉमन सर का बैच मतलब इंग्लिश में आप किसी भी सेक्शन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रामर पढ़ना है वोकेब्लरी पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है प्रैक्टिस बैच लेना है तो एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेस हैं और आपकी इंग्लिश की समस्या एकदम इराडिकेट हो जाएगी एकदम खत्म हो जाएगी ठीक है चलिए अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर एट थक गया हूं मैं चलते चलते थक गया हूं मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूं आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं मैं सोते सोते थक गया हूं तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे कहते हैं मैं नाचते नाचते थक गई हूं गाते गाते थक गई हूं तो जब आप ऐसे गए ना कि मैं ऐसे कहूं मैं गाते गाते थक गई हूं थक गई हूं आपको ऐसा कहना इसका मतलब ये है कि आई एम टायर्ड ऑफ तो ठीक है ये तो हमने फ्रेज यूज कर लिया थक गए हो बट इसके बाद आपको जेरेंट यूज करना है डेफिनेटली वी वन प्लस आई एन जी तो जो आप कर रहे थे ना वो गाते गाते तो आप यूज करेंगे उसके साथ आई एन जी वर्ड को आप सिंग sing नहीं सिंगिंग क्या यूज करोगे सिंगिंग यूज करोगे ठीक है तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके कहते मैं थक गया हूं यार खाते खाते थक गया हूं सोते सोते थक गया हूं तुझे समझाते समझाते थक गया हूं तो बहुत कॉमन सेंटेंस है आपकी डेली लाइफ का तो आप इसे कहते हैं टायर्ड ऑफ तो चलिए स्ट्रक्चर नंबर 8 के सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाएंगे मैं इंतजार करते-करते थक गया हूं कैसे कहेंगे आप इसे मैं कहां से हूं मैं भारत की निवासी हूं किस स्टेट से हूं ओके फ्रॉम हरियाणा अभी कहा हूं फिलहाल इंदौर एमपी पढ़ाई कहां से की है यूपी उसके आगे की पढ़ाई कहां से की है दिल्ली और कुछ पूछना है नया बैच नया बैच है बच्चे वो फिर इतने लंबा अभी दो चार दिन पहले ही आया वो ही बैच आप लेंगे इससे नया बैच नहीं अब रोज थोड़ा ना बैच आएगा अभी नया ही है वो बैच आप ले सकते हैं है ना इंदौर आपसे मिलने हाँ मिलने आ जाओ तो मैं इंतजार करते करते थक गया हूं पहले तुम ये बताओ मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ अब मैं बाइंड कर रही हूँ मैं भी इंडिया से हूँ हाँ मैं भी इंडिया से हूँ कौन कौन इंडिया से है यहाँ पर कितने लोग इंडिया से हैं फ्रॉम इंडिया ओके पी डी एफ कहाँ मिलती है पीडीएफ okay. uh, uh, टेलीग्राम चैनल आप टेलीग्राम पे जाइएगा एंड सुमन इंग्लिश एग्जैक्टली सुमन सूर्यवंशी नहीं सुमन इंग्लिश करेंगे सुमन सूर्यवंशी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं नोट ओन टेलीग्राम पी डी एफ वगैरह सब टेलीग्राम वो एकदम पर्सनल चीज है है ना उसको कोई जरूरत नहीं ये ये जो है आप इसके ऊपर आपका पी डी एफ वगैरह और लिंक वगैरह क्लासेस का ये आता रहता है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं किसी ने लिखा आई was टायर्ड ऑफ वेटिंग क्या बात है आई tired of वेटिंग अब आगे बताओ बूढ़ा आदमी चलते चलते थक गया था अब सेंटेंस कुछ भी हो बात वही है करते करते इंतजार करते करते चलते चलते खाते, खाते खाते पीते पीते सोते सोते रोते रोते थक गया हूं कैसे कहेंगे आप इसे इंग्लिश में द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग क्या कहेंगे ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया इंटरव्यू के लिए शासन ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं आपको ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस आपका कम्युनिकेशन आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब पर काम करती हूं आई कैन इट विल स्पीक इंग्लिश आई एम फ्रॉम अ विलेज ओके ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वेरी गुड बहुत बढ़िया फटाफट सब बनाएंगे ना सब क्लास देख रहे हैं मैं तो सबको सिखा रही हूं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि पवन नीतीश मोहिनी विवेक तुम सीख लो बाकी सब ना बिल्कुल मत सीखो अपनी आंखें बंद कर लो ऐसा तो मैंने कहा नहीं मैंने तो सबको सिखाया तो द ओल्ड मैन दॉ टायर्ड ऑफ वॉकिंग अगला देखिएगा मैं फिल्म देखते देखते थक गया हूं मैं टीवी देखते देखते थक गया हूं मैं तुम्हें देखते देखते थक गया हूं तुम्हें सहते सहते थक गया हूं तुम्हारी सुनते सुनते थक गया हूं तो यार बहुत सारे सेंटेंसेस हैं आपके डेली लाइफ में जिन्हें आप यूज करते हैं ऐसे वाले वे में तो यही मेरा आज का कंसर्न था आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज स्ट्रक्चर नंबर नाइन की बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर नाइन है मुझे सबसे ज्यादा नफरत है मुझे बहुत सारी चीजों से नफरत है पर वो एक चीज जिसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है आ, वो धोखा है मुझे सबसे ज्यादा जो नफरत है वो झूठ से है मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है नफरत है वो दिखावे से है मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है जो इंटरफेयर करते हैं दूसरों की लाइफ उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम है तो बहुत सारी ऐसी डिसक्वालिटीज हो सकती हैं जिनसे आप नफरत करते हैं बट उनमें से भी जिस जो आपको सबसे ज्यादा आपको जिससे नफरत है ना उसे कहेंगे वट आई मोस्ट डिटेस्ट या फिर आप कह सकते हैं वट आई मोस्ट Dislike, आप इसे डिस्टेस्ट की जगह डिसलाइक भी कर सकते हैं वट आई मोस्ट डिसलाइक ठीक है याद हुआ अच्छा इसी में अगर मैं ये कहती मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो पसंद है अगर कह देती तो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा आप यही कहते वट आई मोस्ट पर टेस्ट की जगह आप कहते हैं वट आई मोस्ट लाइक इज आपका कुछ भी हो सकता है आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है बताओ मुझे आपको क्या क्या पसंद है बताओ वट आई मोस्ट लाइक इज आप अपना बताओ वट आई मोस्ट डिसलाइक अपना अपना बताएंगे सब वट यू मोस्ट डिसलाइक एंड वट यू मोस्ट लाइक आप मुझे आंसर देंगे पर आई में देंगे आप है ना Uh, what I most like? Akash, jha, to likho what I most like. What I most like what? What I most dislike what? Uh, uh, what I most like is watching TV. Okay. Cheek hai. What I most like is watching you. Watching me or my class? Gande pache. What I most like is English. What I most dislike is English. वट आई मोस्ट लाइक जूस वोस्ट लाइक रुबीना गलती से सेंटेंस पढ़ लिया रूबीना सॉरी अगर आप भी हैं तो ये बहुत कुछ बच्चे ना वट आई मोस्ट लाइक पिजा वट आई मोस्ट लाइक स्टडी वट आई मोस्ट डिसक शॉपिंग वट आई मोस्ट लाइक इज शॉपिंग दिस इज फॉर मी वट आई मोस्ट लाइक वॉकिंग वट आई मोस्ट लाइक डिसक भी बता दो यार लाइक लाइक बताए जा रहे हो वट आई मोस्ट लाइक यू वट आई मोस्ट लाइक रीजनिंग वट आई मोस्ट लाइक मैथ्स सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना मैं नाम नहीं पढ़ रही हूँ फिर वट आई मोस्ट लाइक इज पिंक सब समझ रही हूँ है ना आई गोच यूर पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा नफरत है पर इट्स ओके okay. क्लास का माहौल मैं कभी भी मतलब मेरी किसी भी क्लास का मैं चाहती नहीं एकदम सैड सैड सा हो इट्स ओके है ना दोस्तों की तरह बिहेवियर होना चाहिए ठीक है मैं आपको सिखा रही हूँ आप सीख रहे हैं टीचर स्टूडेंट एक अलग चीज़ है पर अभी ज़माना बदल चुका है और इट्स लाइक ही फ्रेंडली ही हम चीज़ें सीखें और सिखाएं तो बेटर है आप भी अच्छा सीख पाएंगे मुझे सबसे ज़्यादा आपकी क्लास पसंद है इसे इंग्लिश में बोल क्लास पसंद है ट आई मोस्ट लाइक वट आई मोस्ट डिसलाइक मुझे धूम्रपान से सबसे ज्यादा नफरत है यू विल सेट इज स्मोकिंग आप अगर कहें मुझे झूठ बोलने से सबसे ज्यादा नफरत है तो आप कहेंगे वट आई मोस्ट डिस नहीं बोलेंगे आप सीधा झूठ झूठ बोला टेलिंग लाए ओ सॉरी शराब पीने से सबसे ज्यादा नफरत है वट आई मोस्ट डिसलाइक इज ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग ऑलरेडी एक सेट है कि अल्कोहल के लिए यूज किया गया पर आप इसे इसेहल भी बोल सकते हैं ठीक है Next sentence होगा हमारा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आप सबसे ज्यादा पसंद है में क्या बोलेंगे व्हाट आई मोस्ट लाइक तो आप कहेंगे खाना बनाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो क्या कहेंगे आप इसे इंग्लिश में खाना बनाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है व्हाट आई मोस्ट लाइक इज कुकिंग द फूड राइट कुकिंग भी आप लिख देते तो ठीक था कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिकेट खेलना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वट आई मोस्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ गाने सुनना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आई मोस्ट लाइक इज अपना अपना जो भी आप बोल सकते हैं उसे गाने सुनना पसंद है तो गाने सुननाज कॉल्ड इन इंग्लिश से वेरी गुड आई वट आई मोस्ट लाइक इज लिसनिंग सॉन्ग्स अच्छा जी अगला सेंटेंस है ये बहुत खतरनाक है यह मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप जैसे हम कहते हैं ना लिख के ले लो तुझे पास नहीं होना लिख के ले लो वो अब यहां नहीं आना लिख के ले लो वो पक्का इंस्पेक्टर बनेगा लिख के ले लो एक दिन उसने बहुत पैसा कमाना है लिख के ले लो उसका कुछ नहीं हो सकता लिख के ले ले तेरी कभी शादी नहीं होगी तो हम जो ये कहते हैं ना लिख के ले ले लिख के ले ले लिख दो लिख दो मतलब कि आप अपना पूरा आ, जैसे कहते भी हैं हम ये डेली लाइफ में पर इस फ्रेज को लिख लो राइट इट नहीं कहोगे है ना आप इसे ऐसा मत कह देना किसी को कि राइट इट लिख के ले लो तो लिख के ले लो या लिख लो इसे आप इंग्लिश में कहते हैं टेक माई वर्ड क्या कहेंगे इसे आप टेक माई वर्ड यस वेरी गुड मुन्ना सम्राट अनमोल मनोज रोशन अभिषेक ठीक है अभी चलो अब हम ना इसका कोई सेंटेंस बनाते हैं आपके पास स्ट्रक्चर नंबर इलेवन लिख लो वह अपना चेहरा कभी नहीं दिखाने वाला टेक माय वर्ड ही विल नेवर शो हिज फेस अगेन लिख लो लिख के ले लो तो आप इसे इंग्लिश में कहते हैं टेक माय वर्ड बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप इसको इंग्लिश में बोल दें ये वाला तो ठीक है हम सीख जाएंगे और बेसिक अगर आता है तो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे पर आप इसे कहेंगे ही विल नेवर शो हिज फेस अगेन नेक्स्ट uh, सेंटेंस है लिख लो तुम आज बहुत आकर्षक लग रहे हो मतलब लिख के ले लो तुम सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहे हो लाइक like इट तो कह सकते हो टेक माई वर्ड यू आर लुकिंग वेरी डैशिंग डैशिंग बोलते हो ना आप अट्रैक्टिंग को यू आर लुकिंग वेरी डैशिंग टूडे अच्छी चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लिख लो वह सर्वोत्तम वक्ता है टेक माई वर्ड शी इज द बेस्ट स्पीकर या फिर ही इज द बेस्ट स्पीकर कुछ भी यहाँ पर हो सकता था लिख लो एक दिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी तो आप इसे कहते ठीक माय वर्ड द पुलिस विल अरेस्ट हिम वन डे एक दिन द पुलिस विल अरेस्ट हिम उसे अरेस्ट कर लेगी आप मुझे बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखे आपने अब आपको क्या करना है पहले मेरी सुन लो आपने 11 स्ट्रक्चर सीखे राइट 11 स्ट्रक्चर सीखे अब 11 के 11 स्ट्रक्चर्स को अब जब आप अपनी डेली लाइफ में दूसरों से मिले दूसरों से बात करें आप खुद फील करिए कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूं यहां पर ये यह अटैच करने की कोशिश करिएगा और अगर कर आप सच में होमवर्क करना चाहते हैं तो इन ग्यारह स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपने अपने सेंटेंसेस बनाइएगा दो दो सेंटेंस आप बनाए और देखें वाकई में ये वही एक खजाना है इट्स लाइक अ ट्रेजर यार कि यार यही तो नहीं आता था इसीलिए तो वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं बन पाता था हो आगे आगे के सेंटेंस तो सारे आते हैं पर एग्जैक्टली exactly उस सिचुएशन में कौन सा फ्रेज यूज करना है वो मुझे नहीं आता ठीक है तो आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे बता दीजिएगा और अगर अच्छी लगी हो तो ये लाइक और थम्स अप आप मुझे भेज सकते हैं और अपना कमेंट्स भी मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं बाद में पढ़ सकूं कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगता है ठीक है चलिए आप बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर टू आंसर यू पीडीएफ yes. कहाँ मिलेगा पी डी एफ ये आपको नजर आ रहा है क्या आई डोंट नो नजर आ रहा है क्या चलो मैं लिख देती हूं आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एट द रेट सुमन इंग्लिश ध्यान दीजिएगा सब एकदम स्मॉल में डालिएगा ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चैनल को ज्वाइन कर ले वहां वो मेरे फोटो जरूर लगेगा आपको वहां पर पर लोगों ने ऐसे ही बना रखे हैं तो ये आपको लगभग यहां पर अगर थोड़ा सा हिंट में दू तो आई थिंक फोर्टी टू थाउजेंड प्लस ओके क्या हाँ मैसेज आपके इसमें वो भी है आपकी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है टेलीग्राम चैनल तो उसमें आप सीधा लिंक पे जाके आप कर लीजिए ना बहुत अच्छा लगा मैम आपसे पढ़ के थैंक थैंक यू सो मच थैंक यू बेस्ट सेशन था थैंक यू सो मच मत जाइए रुक जाइए इंग्लिश में कहो तो फिर मानो भी थोड़ा मुझे क्लास ज्वाइन करनी है तो मैंने बताया ना आप मेरा ओशन गुरुकुल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें बेटा वहाँ मिल जाएगी वट आई मोस्ट लाइक इज पिंक बस बस ये पिंक वाला रुक जा मारूंगी मैं आ, नौ uh, बजे क्लास होती है अच्छा मैं बता देती हूँ जिन लोगों को भी इशू आता है मंडे वेनसडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे मैं हमेशा क्लास लेती हूँ रात को 9 बजे लाइव आती हूँ रात को 9 बजे आप मेरे हर सेशन से जुड़िएगा इंग्लिश का फोक फो जितना भी आपके मन में फोबिया है फियर है वो तीन चार महीने के अंदर पूरा निकल जाएगा पर लेकिन बशर्ते आपको डेली जुड़ना पड़ेगा ऐसा आप नहीं कर सकते आई फील लाइक मीटिंग क्या लिखा पता नहीं कोई बात नहीं मैं गो थैंक्स फॉर एवरीथिंग थैंक यू सो मच आपके लिए भी काश आप सब मेरे सामने होते अच्छा लगता है वो अगर एकदम ठीक है YouTube अपना अब क्या करें टाइम की डिमांड है पर सीरियसली मैं YouTube पे बिल्कुल बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ पर मैं अपनी अगर सच बात बोलूँ तो जो मज़ा ऑफलाइन में स्टूडेंट्स के सामने वाला है वो फील अब तो थोड़ा फिर भी आने लगा थोड़ा आदत हो गई स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कैमरा के सामने आप खुद सोचिए यार, इमेजिन कि मेरे सामने एक कैमरा है और मुझे उस कैमरे को ये समझना है ज्ञान कुरेशी और ये कैडेट कोर सुनील राजू सब यहीं पर है, है ना सब लड़की लड़कियां यहाँ पर बैठे हैं तो इट्स वेरी टिप चलिए ठीक है फिर चले थैंक यू सो मच Thank you, thank you, thank you so much. I will read your comments baad mein Digital thappad mariye. Digital thappad. Kyo digital thappad? You all are very sweet. Why oh, I slapped? Don't go. Acha, don't go. <laughs> but I have to go. I feel like eating. Eating something. अच्छा ठीक है चलती बाय बाय थैंक यू सो मच सी ऑन वेनसडे एट नाइन नाइन पी ओके 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 बाय